देखो प्रोटेस्ट पिटीशन क्या होती है, जनरली जो कंप्लेनेंट होता है वो एफआईआर लॉन्च करता है। एफआईआर लॉन्च करने के बाद क्या होता है, पुलिस जो होती है वो इन्वेस्टिगेशन करती है। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद वो इस कॉन्क्लूजन पर निकलती है कि चार्जशीट रेडी करेगी वो, अगर उसको लगता है कि सफिशियंट ग्राउंड बने एक्यूज के अगेंस्ट, ठीक है, मैटर कॉग्निजेंस में है, तो वो क्या करती है चार्जशीट रेडी करी है। अगर उसको लगता है कि नहीं एफआईआर बेकार है तो कैंसिलेशन रिपोर्ट लगाएगी कोर्ट में, और कोर्ट से कहेगी कि ये ट्रायल पे नहीं जाना चाहिए, मैटर ट्रायल नहीं होना चाहिए क्योंकि ये सफिशियंट ग्राउंड नहीं लग रहे हैं, ये कॉग्निजेंस नहीं है, ठीक है। और आप कंप्लेनेंट हो, आप क्या करोगे, आपको लगेगा नहीं पुलिस ने तो पैसे लेके कर लिए हैं या दबाव में करें या फिर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं करी है, तो आप प्रोटेस्ट पिटीशन यहाँ फाइल करोगे। प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल करोगे उस कैंसिलेंस रिपोर्ट के अगेंस्ट में, ठीक है। लेकिन उसमें आप पॉइंट्स मेंशन करोगे कि किस किस ग्राउंड पर या यहाँ पुलिस को इन्वेस्टिगेशन और करनी चाहिए थी जो कि नहीं करी। अच्छा, अब देखो यहाँ कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है। अगर कोर्ट सेटिस्फाइड होता है आपसे कि हाँ लगता है कि कोर्ट को भी कि इन्वेस्टिगेशन की और नीड है, तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए डायरेक्शन दे देगी पुलिस ऑफिसर को, ठीक है, कि इसमें दोबारा से आप इन्वेस्टिगेशन करिए और दोबारा से रिपोर्ट सबमिट कीजिए। दैट इज प्रोटेस्ट पिटीशन।